जय श्री कृष्णा। आज हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कर लिया था। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। वी हैव मैंशन डैट प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली लार्ज मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर वेट्स इन द रेंज ऑफ 5000 टू फ्यू मिलियन डाल्टन्स। जो आपके प्रोटीन्स का वेट होता है वो डाल्टन यूनिट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज़ के होते हैं और उनका नेचर कोलाइडल होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल एंड हेंस प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन वॉन्स ऑल्सो पॉसिबल डैमेज टू किडनी मेम्ब्रेन्स। तो हम अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि क्या हमारे किडनी मेम्ब्रेन्स में डैमेज हुआ है, तो अगर वहाँ पे प्रोटीन की प्रेजेंस होती है यूरिन में तो डैट मीन्स किडनी मेम्ब्रेन्स में डैमेज हुआ है। ये जो आपको चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का साइज़ कंपेयर किया हुआ है सोडियम और क्लोराइड आयंस के कंपैरेटिवली में, कि कितना उसका, अगर मैं आयन सोडियम और क्लोराइड की बात करूँ तो उसके कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, उसके कंपैरेटिवली अगर मैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करूँ तो उनके कंपैरेटिवली इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये डॉट्स हैं तो ये इनका इतना 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 साइज़ है। तो ये सिर्फ एक चार्ट आपको कंपेयर करने के लिए, सो दैट आप इमेजिन कर सको कि कितना ये लाइक साइज़ में बड़ा है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन आर मेनली ड्यू टू द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड। कितना उसके अंदर उसका नेचर, उसका प्रॉपर्टीज़ कैसे है, डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड से वो मिलकर बना हुआ है। हाँ जी, तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है मॉलिकुलर वेट। जो प्रोटीन्स होते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, डैट मीन्स कि काफ़ी सारे अमाइनो एसिड से मिलकर आपका प्रोटीन बना है। तो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 25,000 और इससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एवरेज मॉलिकुलर वेट जो है वो रेंज करता है 5 किलो डाल्टन से 220 किलो डाल्टन के बीच में। प्रोटीन जिनका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है वो फाउंड होते हैं कहाँ, हीमोसाइनिन्स में। द हीमोसाइनिन क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी प्रोटीन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। द मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन कैन बी डिटरमाइन बाय द मॉलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम जेल फिल्ट्रेशन है ना, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ऑस्मेटिक प्रेशर, लाइट स्कैटरिंग, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये कुछ टेक्निक्स है जिसके हिसाब से हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि किस प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट कितना है। सो मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इज़ एक्सप्रेस्ड इन डाल्टन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसका इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, अ यूनिट ऑफ मास डिफाइन टू बी इक्वल टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, मॉलिकुलर वेट डिफरेंट होता है, इसके अंदर हमारे 50 to 25,000 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, रेंज जो है वो 5 किलो डाल्टन से 220 किलो डाल्टन के बीच होती है। अब मॉलिकुलर वेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसका वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, वो टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक पढ़ा है कि ना वो एसिड हो ना वो बेसिक, लाइक वो एसिडिक हो बेसिक हो, दोनों नेचर वो शो करता है तो एम्फोटेरिक है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, डैट मीन्स ये डोनेट भी कर सकते हैं और प्रोटीन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको एम्फोटेरिक बोल दिया कि दोनों ये एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। ये एड्सॉर्ब भी कर सकते हैं एनायंस को और कटायंस को, डिपेंड कर रहा है कि सॉल्यूशन का पीएच कितना है। अगर पीएच जो अल्कलाइन हुआ तो नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा और जो प्रोटॉन है वो एनोड की तरफ मूव करेगा, और अगर एसिडिक पीएच होगा तो ये पॉजिटिव गेन कर लेगा और जो प्रोटीन्स है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो डिपेंड करता है कि पीएच कितना है सॉल्यूशन का, अल्कलाइन है कि एसिडिक है, उस हिसाब से प्रोटीन जो है वो मूव करता है। और ऐसा क्यों होता है, ज्यूट्रा आयनिक स्ट्रक्चर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ज्यूट्रा आयन फॉर्मेशन बताया था है ना, COOH और NH वाला, तो उसमें आपका अगर वो H गेन करेगा कि वो H लूज करेगा तो वो स्टेज आपकी लाइक डिपेंड करेगा कि वो एच गेन कर रहा है लूज कर रहा है, तो वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है कि वो प्रोटॉन की तरफ एनोड की तरफ मूव करेगा या कैथोड की तरफ मूव करेगा। प्रोटीन के पास हाई मेल्टिंग प्रोटीन है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स
प्रोटीन के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है उसका रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है, ज्यूटेनिक स्ट्रक्चर दैट इन अ क्रिस्टल लैटिस द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर टाइटली। ज्यूटेनिक स्ट्रक्चर में जो इसका प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे को होल्ड करके रखता बहुत टाइटली, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो एम्फोटेरिक नेचर है उससे एक हेल्प और होती है कि ये प्रोटीन को फैसिलिटेट करेगा, उनकी सेपरेशन को फैसिलिटेट करेगा बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं और इसी वजह से एम्फोटेरिक नेचर की वजह से इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोटीन्स का। जो प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करता है अमीनो एसिड रेजिड्यू के ऊपर जो उसके सरफेस पे डिपेंड करता है। लाइक जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, जैसे ही जैसे उसके अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ होंगे उनके हिसाब से ही प्रोटीन का हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ होगा। तो एक प्रॉपर्टी है जैसे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है कि उस प्रोटीन के अंदर कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, या कह लो कि वो प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, और ये अमीनो एसिड ही आपके सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे। चार्ज्ड और पोलर सरफेस रेजिड्यूज़ अगर हैं तो वो आयनिक ग्रुप के साथ, यानी कि जैसे पोलर सॉल्वेंट में आयनिक ग्रुप होता है उनके साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगे, तो इससे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर अमीनो एसिड का नेचर अगर उनका नेचर जो है वो आयनिक ग्रुप के साथ इंट्रैक्ट नहीं करता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके अमीनो एसिड रेजिड्यूज़ कैसे होंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो सॉल्वेंट के साथ कैसे रिएक्ट करने वाला है। अगर चार्ज है प्रोटीन सरफेस में, प्रोटीन प्रेफर्स टू इंट्रैक्ट विद द वाटर बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेदर देन विद अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने आपको बताई हुई है। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स इन एक्वस बफर डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज़। अभी हमने वही चीज़ डिस्कस करी है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या होने वाला है, एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज द लोएस्ट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में जो इसका सॉल्युबिलिटी है वो सबसे कम होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, अगर ब्लड में प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी देखें तो उसके लिए एक ऐसा पीएच चाहिए, कौन सा पीएच चाहिए, इस रेंज का पीएच चाहिए। इट कैन बी सेड दैट द प्रोटीन सॉल्युबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कौन कौन से, जैसे कि पीएच हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, टेम्परेचर क्या है, और कौन से सॉल्वेंट एडिटिव्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये कुछ इसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गए। और इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से हुए, अमीनो एसिड। ऑफ कोर्स प्रोटीन के पास कौन से अमीनो एसिड है वो उसका इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब है कि सॉल्वेंट की सिचुएशन कैसी है, जैसे उसका आयनिक स्ट्रेंथ कितना है, टेम्परेचर क्या है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रेसिपिटेशन। अब सॉल्युबिलिटी का ऑपोजिट होगा आपका प्रेसिपिटेशन। तो जो फैक्टर उसके लो सॉल्युबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल होंगे तो वो प्रेसिपिटेशन को सपोर्ट करेंगे। चार्ज ऑन द प्रोटीन सरफेस आर सम हाउ न्यूट्रलाइज्ड। अगर हमने प्रोटीन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से क्लोज आ जाएंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे और वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। प्रोटीन्स जो है वो कोलाइडर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और प्रोटीन जो है वो आपके प्रेसिपिटेटेड भी हो सकते हैं बाय वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसे रिएक्शंस जो कि प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करते हैं उन रिएक्शंस को हमने क्या बोलना है, उनका एक नाम दे देना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब इनको हम प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कैसे कर सकते हैं, या तो उसका वाटर लेयर रिमूव कर दें मतलब उसको डिहाइड्रेट कर दें, या फिर उसको डीनेचर कर दें, या उसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है उसको एडजस्ट कर दें, या फिर जो उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो आपके पास प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो पहले आपको डेफिनेशन बतानी है। प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, क्योंकि अगर हम प्रेसिपिटेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पास आ जाएंगे, फिर वो एग्रीगेट करेंगे और फिर उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अब हम प्रेसिपिटेशन कैसे कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन करके या डीनेचुरेशन करके, या इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच को एडजस्ट करके, या फिर उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करके, ये हमारे पास मेथड्स हैं। सो प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर क्यों होती है, क्योंकि जो पीएच का चेंज हो रहा है, ये जो हाइड्रोफोबिसिटी हो रही है
वो इनके बीच के इंट्रैक्शंस को, प्रोटीन के बीच के इंट्रैक्शन को और जो एक्वस एनवायरनमेंट है उसके इंट्रैक्शंस को वो अल्टर कर देता है, पीएच का चेंज या हाइड्रोफोबिसिटी के चेंज। एक ही बात होगा अगर मैं उसको, ये दोनों ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते प्रेसिपिटेशन के लिए, अगर हम इसको इस तरीके से समझें। सो इसके अलावा हम प्रेसिपिटेशन और कैसे कर सकते हैं, सॉल्ट को बाइंड कर देते हैं या किसी मेटल को बाइंड करवा देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं। प्रोटीन फंक्शनल ग्रुप के साथ सॉल्ट की बाइंडिंग कर दी या मेटल की बाइंडिंग कर दी, इससे क्या होगा, जो इंट्रामॉलिक्यूल इंट्रैक्शंस हैं वो डिसरप्ट हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा बेसिकली, और प्रोटीन जो है वो डीनेचर होगा, फिर अल्टीमेटली वो एग्रीगेट होकर सॉल्यूशन में फॉलो के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन क्या है, हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं पेप्टाइड जो है वो अपना 3D स्ट्रक्चर, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डिंग होती है उनकी, वो प्रॉपरली फोल्ड होता है। अगर मैं इनकी अनफोल्डिंग कर दूं तो इसका मतलब वो डीनेचर हो गया। डीनेचर का मतलब होगा कि वो प्रोटीन अब फंक्शनल नहीं रहा। द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि सीक्वेंस तो वही रहेगी, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज नहीं होने वाली है। डीनेचुरेशन से क्या होता है, जो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिस वजह से इनका ये 3D स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब मैं प्रोटीन को डीनेचर कर दूँ तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और डीनेचर कैसे कर सकते हैं, या हम उसको हीट कर देंगे या यूवी के साथ या एक्सरे के साथ उसकी रेडिएशन कर दी, है ना, तो ये हो गया आपके फिजिकल डीनेचरिंग एजेंट। कुछ केमिकल एजेंट भी है जिस वजह से प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, जैसे एसिड्स हो गए, अल्कलाइज हो गए, हैवी मेटल हो गया, यूरिया हो गया, सैलिसाइक्लिक एसिड होगी, तो ये आपके कुछ और केमिकल्स है जिसकी वजह से हम प्रोटीन्स को डीनेचर कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कुछ ऐसे नेटिव प्रोटीन होते हैं जो रीजनरेट भी कर सकते हैं अगर मैं डीनेचरिंग एजेंट को रिमूव कर दूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि वो इरिवर्सिबल है। बट अगर रिवर्सिबल हो जाए तो उसको हमने बोल दिया रीनेचुरेशन, है ना, डीनेचुरेशन के ऑपोजिट प्रोसेस को हमने बोल दिया रीनेचुरेशन। अब कलर रिएक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। हाँ जी, प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से बने हैं, एंड एज ऑल प्रोटीन्स आर नॉट मेड फ्रॉम सेम सेट ऑफ अमाइनो एसिड, देयरफॉर दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ऑल कलर रिएक्शन। ऑब्वियसली सेम एसिड्स, सेम अमाइनो एसिड से तो सारे प्रोटीन बने नहीं हैं, अलग अलग बने हैं, तो इसलिए वो कलर्स के साथ भी रिएक्शन अलग अलग शो करेंगे। तो यही जो उनकी प्रॉपर्टी है इसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है। कुछ रिएजेंट्स हैं हम जिस यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक है ये आपका बायोरेट रिएक्शन या बायोरेट टेस्ट हो गया। इसमें कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट लिया है, कलर क्या है, ब्लू वायलेट है, रिएक्शन साइट क्या है, टू और मोर देन पेप्टाइड बॉन्ड्स। रिमार्क्स क्या हो सकते हैं, रेड और ब्लू वायलेट कलर जो है, दिस कलर इज़ नॉट गिवन बाय अमाइनो एसिड्स और डाइपेप्टाइड्स, तो ये डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड ये कलर नहीं देता है। अब मिलन्स टेस्ट, उसमें क्या होने वाला है, इसमें हमने ये रिएजेंट लेना, मर्क्यूरिक सल्फाइड इन H2SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड में हमने मर्क्यूरिक सल्फेट पुट किया है, साथ में सोडियम नाइट्रेट है, रेड प्रेसिपिटेशन होगी। अब जो रेड कलर कौन देता है, रेड कलर जो है वो आपके फिनोल्स देते हैं। अब रिएक्शन कहाँ होने वाला है, फिनोलिक ग्रुप में या टायरोसिन साइट। तो ये जो रेड कलर अगर प्रेजेंट आया मिलन्स टेस्ट में, अगर रेड कलर आया तो मतलब कि जो प्रोटीन्स उसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद निनहाइड्रिन टेस्ट है ना, इसमें ब्लू वायलेट, अगर प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन गिवन हो तो इसका मतलब है वो आपका ब्लू वायलेट कलर इसमें शो हो जाएगा। तो ये कुछ आपके टेस्ट है, इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे उस अकॉर्डिंगली आपको सारा यहाँ पे गिवन है, आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग का कुछ नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एज अ फैक्ट ही लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, जैसे 100 अमाइनो एसिड्स ऐड कर दिए हमने, हर एक अमाइनो एसिड जो है वो हैपेंस टू बी आइडेंटिकल, देन ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन होगा। बट ऐसा होता नहीं है, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स हैं, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स मिक्स करके एक आपका चेन बनाएगा, पेप्टाइड चेन, जो हमारा प्रोटीन
का प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। इस सेक्शन में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का दिखा रखा, जितने भी यहाँ पर सर्कल्स हैं ये सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं। और यहाँ पर आपको सिस्टीन, सीरीन, ल्यूसीन और फिनालिन का यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर अमीनो एसिड्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोजन अ प्रोटीन विच स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द बॉडी इज शोन इन 6.4। ये आपको हाँ जी, ये आपको ग्लूकोगन का स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए यहाँ पर एक एंड पे इसका NH2 है, यहाँ पर ही COOH ग्रुप है। और ये पूरी की पूरी चेन आपको अमीनो एसिड्स की गिवन है। आपको 3 कोडिंग और 1 कोडिंग इसकी लर्न होनी चाहिए, है ना। ये हो गया हिस्टीन हो गया, यहाँ पर आपका सीरीन हो गया आपका, यहाँ पर इसके बाद ये सारे के सारे गिवन है। हिस्टीन सीरीन दे रखी है, ये पूरे के पूरे आपके सीक्वेंस गिवन है। ये आपको पूरे के पूरे सीक्वेंस लर्न करने पड़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोगन को। मैं ये ऑलरेडी, ये मैं डिटेल वे में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ल्यूसीन, लाइसिन, अर्जिनिन, है ना, सीरीन, एस्पार्टेट, लाइसिन, सीरीन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 वर्ड कोडिंग और 1 वर्ड कोडिंग ये आपको लर्न करना होगा। ये सीक्वेंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसा पूछेंगे नहीं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ग्लूकोगन का बताओ, नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछते। इसमें आपको कोई भी रैंडमली लाइक जितने भी आपको अमीनो एसिड्स लर्न हो उनका एक सीक्वेंस बना के एक एग्जाम्पल दे देना है प्रेजेंट करने के लिए कि सपोज़ एक प्रोटीन है और इसके ये अमीनो एसिड चेन है, अगर ये इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन चेन में प्रेजेंट क्या है, वही उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। कि अगर इनमें से एक भी अमीनो एसिड, सपोज ये ल्यूसीन है, इस ल्यूसीन को मैं डिलीट कर दूँ तो ये फंक्शनल नहीं रहेगा, या फिर इसको ऑल्ट्रेशन कर दूँ, यहाँ पर वैलिनिन की जगह मैंने आइसोल्यूसिन पुट कर दिया तो भी ये फंक्शनल नहीं रहेगा। तो इस वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अल्टीमेटली पूरे प्रोटीन का फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। यहाँ पर एक दे रखा है, सपोज़ यहाँ एग्जांपल दे रखा है, जैसे हीमोग्लोबिन है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हमारे पास 574 अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, प्रेजेंट कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल में। अगर मैं उसका एक अमीनो एसिड चेंज कर दूँ, पूरी चेन में से एक अमीनो एसिड भी चेंज कर दूं, तो वो हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाएगा। बायकनकेव शेप होती है हीमोग्लोबिन की, एक अमीनो एसिड का चेंज करने की वजह से उसका शेप जो हो जाएगा वो सिकल टाइप हो जाएगा। सिकल ऐसे शेप हो जाएगी, सिकल टाइप शेप हो जाने की वजह से हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नो मैटर हाउ दे आर डिफरेंट, दे आर वन डायमेंशनल एंड हेंस कैन नॉट एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटी ऑफ प्रोटीन फंक्शन। ऑन द अदर हैंड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन डिटरमाइंस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फोल्डिंग पैटर्न विच होल्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ इट्स फंक्शन, है ना। हमेशा 1D होता है, हमें इसका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट हमें ये पता चल जाएगा कि इसके फोल्डिंग पैटर्न क्या रहने वाली है और क्या इसका कॉम्प्लेक्सिटी है। और अल्टीमेटली प्रोटीन की फोल्डिंग इम्पॉर्टेंट है उसके फंक्शन के लिए। इसके बाद आएगा पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन फोल्डिंग। जो फोल्डिंग पैटर्न है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो डिपेंड करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड की ज्योमेट्री कैसी है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, विच लिंक द इंडिविजुअल अमीनो एसिड, है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, COOH ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, COOH कार्बोक्सिल एक ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप दूसरा होता है, H2O रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है और CONH पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हाँ जी, आगे देखते हैं। द इंडिविजुअल बॉन्ड्स कंस्टिट्यूटिंग द पेप्टाइड यूनिट आर टॉर्शनली रिजिड दैट मेक इंट्रा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रही है, देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा है। ट्विस्टिंग ऑफ द पेप्टाइड प्लेन इज स्टिल पॉसिबल अराउंड C-alpha and N। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। इसके साथ आपके पास
ये कार्बन लगा हुआ है सी अल्फ़ा टू, और यह आपके पास इस सी ओ के साथ एक कार्बन लगा हुआ, उसको हमने बोल दिया सी अल्फ़ा वन। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सी अल्फ़ा और एन के बीच में ट्विस्टिंग अराउंड एक पॉसिबिलिटी है, और सी अल्फ़ा और सी के अराउंड यहाँ पर भी एक ट्विस्टिंग पॉसिबल है। यहाँ पे आपको ट्विस्टिंग शो भी किया हुआ है डायग्राम में। फाई और साई के एंगल 180 शो किया हुआ है, कॉरस्पॉन्ड फुल एक्सटेंशन। यहाँ पर एक आपको यहाँ एक ट्विस्टिंग शो करी हुई है सी ओ सी अल्फ़ा के बीच में, और सी अल्फ़ा और एन के बीच की ट्विस्टिंग यहाँ पे शो की हुई है, अगर दिखा सकें ये चीज़। यह आपको एक ट्विस्टिंग यहाँ शो की हुई है, इन दोनों के बीच का एक ट्विस्टिंग ये शो किया हुआ है, जिसको फाई के यहाँ फाई से रिप्रेजेंट किया, एक ट्विस्टिंग इनके बीच में शो किया हुआ है, यहाँ पे फाई का दे रखा है, ठीक है, ये ट्विस्टिंग यहाँ पर। सो पोर्शन ऑफ पॉलीम, ये ऑलरेडी ये फिगर को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन शोइंग द रोटेशन ऑफ एडजेसेंट पेप्टाइड प्लेन्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ रोटेशन अबाउट द बॉन्ड टू सेंट्रल अल्फा कार्बन एटम। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द एंगल्स फाई एंड साई इंडिकेट द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द पेप्टाइड प्लेन्स अराउंड एन सी अल्फा एंड सी अल्फा सी बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें ना एक चीज़ याद रखना आपने कि फाई किसके बीच बनता है और साई किसके बीच बनता है। जो फाई एंगल होता है वो एन सी अल्फा के बीच बनेगा, और जो साई एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है ये सी अल्फा सी बॉन्ड के बीच में शो किया हुआ है। जब चेन फुल एक्सटेंडेड होती है तब इसकी जो फाई और साई की वैल्यू जो होगी वो 180 के अराउंड कंसीडर करी जाती है, ठीक है। एज ए व्यू फ्रॉम द सेंट्रल सी अल्फा एनी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द पेप्टाइड अलॉन्ग 180 डिग्री इज असाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी उसको हमने कंसीडर करना है नेगेटिव वैल्यू को। दस ईच पेप्टाइड चेन कैन ट्विस्ट एंड रोटेट अराउंड सी अल्फा बॉन्ड। द रिलेटिव एंगल्स ऑफ रोटेशन विल डिफाइन द डायरेक्शन एंड टाइप्स ऑफ फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कुछ वैल्यूज़ होती, सम वैल्यूज़ ऑफ फॉर एंगल सी एंगल अल्फ़ा एंड साई ब्रिंग अनबॉन्डेड, इतना हमने याद नहीं करना। हमने यहाँ पर दो बातें याद रखनी है जो हमारे से पूछी जाएगी, अल्फ़ा और साई के कौन कौन किस किस के बीच में आपके बॉन्ड बनते हैं वो आपने लर्न करना है, कि फाई किसके बीच बनता है और साई किसके बीच बनता है, कंडीशन क्या होती है 180 डिग्री होती है जब आपका ये फुली एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड होगा तो इनके एंगल्स 180 डिग्री होंगे, और इसके क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है और एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करना। अभी तक के लिए हमें सिर्फ इतना ही याद करना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हमने अभी कोवलेंट इंट्रैक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया था पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, और इसके अलावा और भी इंट्रैक्शंस होते हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, जिसको हमने बोलना है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज जो होता है वो स्टेबलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड उनके बीच ही बनेगा कि जिन अमाइनो एसिड्स के पास में आपके सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे सिस्टीन रेजिड्यू, सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है उनके बीच, उनके पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो आपका डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म करता है। और इस यहाँ पर आपको यह स्ट्रक्चर दे रखा है, सिस्टीन के बीच में थायल ग्रुप SH ग्रुप प्रेजेंट होता है, SH ग्रुप ये ग्रुप। अब यहाँ जो SS का बॉन्ड बना है इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया डाइसल्फाइड ब्रिज। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, थायल ग्रुप की वजह से बनता है। हाँ जी, ये देखो यहाँ पर ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसकी फोल्डिंग हुई, इसकी फोल्डिंग हुई, ये सिस्टीन यहाँ से पिक हुआ, ये सिस्टीन यहाँ से पिक हुआ, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, थायल ग्रुप की बॉन्डिंग हो जाएगी, SS ग्रुप बन जाएगा, ये SS यहाँ पे SS बन गया, यहाँ SS बन गया, यहाँ पर SS बन गया, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है इनके स्टेबलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पर एज यू सी दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन डाइसल्फाइड ब्रिज कैन आर रिलेटिवली स्टेबल एंड कैन ऑल्सो कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे आपके वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है, इस केस में इसका एक एग्जांपल दे रखा है। इन सच केसेस दे इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द फोल्डिंग पैटर्न ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, एट द सेम टाइम दे इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द फाइनली फोल्डेड
कन्फर्मेशन। देखो किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होता है। अब क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी SS बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर रिजिड हो गया, इसने फोल्डिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर SS ना होता तो फोल्डिंग में भी डिफरेंट तरीके से हो सकती थी, बट यहाँ पर इसने फोल्डिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये इसका नेगेटिव है। साथ में प्लस ये भी है कि ये लाइक उस प्रोटीन को, उस फोल्डेड कन्फर्मेशन को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन इन प्रोटीन फोल्डिंग। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसको कोवेलेंट अमाइड बॉन्ड जो है वो स्टेबल करता है। दूसरा जो कोवेलेंट लिंकेज है जो मेंटेन करता हायर ऑर्डर प्रोटीन स्ट्रक्चर को, वो हमने बोल दिया यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब जो फोल्डिंग होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये जो फोल्डिंग हो रही है ये क्यों होती है, ये कोऑपरेटिव एक्शन होती है किसकी, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस की, उनका भी है इन्वॉल्वमेंट, कोवेलेंट है वो भी इन्वॉल्वमेंट है, तो सब मिलकर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड हो। सो द वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी, प्रोटीन को स्टेबिलिटी देने के लिए जो वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ से हमारा लर्निंग पोर्शन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए, वंडरवाल्स फोर्सेस हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होगी, ये कुछ नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस हैं जो कि प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। यहाँ पर इनकी रिस्पेक्टिव एनर्जीज दे रखी हैं कि कौन कौन से एनर्जीज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड चेन्स होते हैं जैसे कि लाइसिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, ये कैरी करते हैं चार्ज ग्रुप, जैसे NH3 पॉजिटिव, ये CO नेगेटिव, कहाँ पे, न्यूट्रल pH में। द अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेटेड बाय द प्रोक्सिमिटी ऑफ सच चार्जेस ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड विच इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड और सॉल्ट ब्रिजेस, ये सॉल्ट ब्रिज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बता दी, जो लाइसिन और ग्लूटामेट है वो सॉल्ट ब्रिज फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग है ये अगेन हेल्प करेगा फोल्डिंग प्रोसेस में, कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा हमारे पास वंडरवॉल्स डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वीक अट्रैक्शन इंट्रैक्शन इन्वॉल्वड इन प्रोटीन फोल्डिंग इज वंडरवॉल्स डिस्पर्जन फोर्स। अब ये क्यों होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होती है बिटवीन द अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल एंड कम्स इनटू इफेक्ट कब, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर सो क्लोजली दैट देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पेनिट्रेट ईच अदर। दो रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो डेवलप एट वंडरवॉल्स कॉन्टैक्ट डिस्टेंस, द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट, ये बेसिकली प्रीडोमिनेंट होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस। These dispersal interactions are of very low energy, but their cumulative effect when summed up over an interacting protein surface is considerable and would be of great significance in the maintenance of folded state of the protein. So, in brief, अगर मैं बात करूँ, जो वंडरवॉल्स dispersion force है वो involve होता है protein folding में। क्यों होता है ये attractive force होती है, कब होगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है वो एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे। रिपल्सिव फोर्सेस भी प्रेजेंट होती है, बट जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो प्रीडोमिनेंट होती है ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस, और अल्टीमेटली यहाँ पर ये वंडरवॉल्स डिस्पर्जन फोर्स है, उसने सपोर्ट करना है प्रोटीन के फोल्डिंग को। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम बॉन्ड कोवेलेंटली टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर है ना, इसके साथ अगर इंट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन हाइड्रोजन एटम आर शेयर्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और कार्बोक्सिल ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विद इन द सेम और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ होती है। यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली भी शो किया हुआ है। अब इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन की स्टेबिलिटी,
बिकॉज दिस इज अब यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि हाउएवर इट इज़ डिबेटेबल क्यों है, क्योंकि जो वाटर है जो कि यूनिवर्सल बायोलॉजिकल मीडियम है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और साथ साथ में पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ भी। जस्ट बिफोर द फोल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट, जो अमाइनो एसिड चेन है प्रोटीन की जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, ये लिंकेजेस फॉर्म करता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ पहले। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात बोली हुई है इस पैराग्राफ को अगर मैं डिस्कस करूँ, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फोल्डिंग से पहले अमाइनो एसिड चेन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब जब प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होती है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के साथ बने हुए हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो नए उनके बीच के अंदर प्रोटीन साइड के अंदर फॉर्मिंग होगी। अगर वो वाटर के साथ ही बना लेंगे तो उनकी फोल्डिंग कैसे होगी। अब जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डिफरेंट है फ्रॉम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड द एनर्जी ऑब्टेन इन फॉर्मिंग इंटर रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच इज़ मार्जिनल। जो भी हो, देयर इंपॉर्टेंस इन प्रोटीन फोल्डिंग अराइजेज ड्यू टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं करता। जितने भी एलिफेटिक साइड होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि वेलिन आइसोलेसिन के, वो अटैच होते हैं कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग द बॉन्ड इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू। अब ये क्या हो रहे हैं, एलिफेटिक चेन में अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, वाटर के साथ इंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोल दिया है, क्यों नहीं कर रहे बेसिकली वो, क्योंकि नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर लविंग नहीं है, हाइड्रोफिलिक नहीं है, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब जब मैं ऐसे ग्रुप को वाटर के साथ एक्सपोज कर दूं तो क्या होगा, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वाटर कंसिस्ट ऑफ लूज फ्लक्चुएटिंग क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे साइड चेन को अगर मैं वाटर के साथ एक्सपोज कर दूं तो वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ वो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपस में ही अपने हाइड्रो वो इस तरीके से रिएक्ट करे। सपोज़ यहाँ पर एक कंसीडर कर लेते हैं, ये आपके पास प्रोटीन का ये फोल्डिंग से पहले का एक स्टेट है, ये एरिया जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ये एरिया आपका हाइड्रोफोबिक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है, ये आपका हाइड्रोफिलिक है, HP लिख देते हैं, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर, तो इसने तो इसके साथ रिएक्ट कर लेना है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा। तो क्या होने वाला है, जो भी हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो भी इस चेन का हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो वाटर के साथ आके रिएक्ट कर लेगा, और जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये अंदर चेन के अंदर, इसकी फोल्डिंग इस तरीके से हो जाएगी कि वाटर के साथ एक्सपोज ही ना हो। कुछ ऐसे मान के चल लेते हैं, सपोज़ ऐसा क्लस्टर कर लिया मैंने, तो जो फिलिक वाले पार्ट है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और जो फोबिक वाले पार्ट है वो अंदर की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को बचा रहे हैं कि मुझे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी उसकी फोल्डिंग में हेल्प हो रही है। यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, यहाँ पर इस चेन यहाँ पर आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन शो कर दिया। तो यहाँ पर हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ भी बोली कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फोल्डिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने के लिए, क्योंकि वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो खुल नहीं सकते, वो चेन अगर खुल गई तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी, तो इसलिए वो बंद ही रहती है। तो इस तरीके से वो उसका स्ट्रक्चर आपका मेंटेन ही रहता है। हाँ जी, तो आज हम यहीं तक ही कंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। हम इस पूरे लेक्चर को पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये लेंथी चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा समझें, इसको थोड़ी रीडिंग करें ताकि हम आगे वाली वीडियोज़ में और अच्छे से इसको समझ सकें। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी, टर्शियरी हम आगे डिस्कस करेंगे।
एंड थैंक यू सो मच योर टाइम.